हेलो दोस्तों, सो मोबाइल GSM सॉल्यूशन के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज ये एक आपके पास फ़ोन लेके आया हूँ जो जिसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो है वीवो X21, जो थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है और बहुत कम है मार्केट में ये फ़ोन। इसकी ग्लास चेंज करने वाले हैं तो मैंने आउट फ्रेम कर लिया है डिस्प्ले को। ये देख सकते हैं ग्लास ब्रोकन है। ये मॉडल आप गूगल पर चेक कर लेना, 1025 1725। इसमें क्या अलग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिफरेंट है, जो बाकी मॉडल्स आते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। और इसमें पंचिंग में आप थोड़ा सा भी अगर कुछ गलत कर दिया आपने पंचिंग में तो आपकी डिस्प्ले ख़त्म, जिसकी कॉस्ट सर्विस सेंटर में 8,000 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट इसमें ही पेस्टेड है डिस्प्ले में। सैमसंग के कुछ मॉडल में पेस्टेड आता है, बट वो फिंगरप्रिंट इनबिल्ट रहता है, फ्लैट रहता है। अब ये मैंने ग्लास निकाल लिए, अभी मैं आपको इसका फिंगरप्रिंट दिखाऊंगा। ये ग्लास निकाल लिया इसका, ये देखिए अभी मैं आपको फिंगरप्रिंट दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ये साइज़ में अदर मॉडल से ज़्यादा बड़ी है फिंगरप्रिंट की साइज़ जो है कैमरे की। कुछ में तो नीचे ही रहता है, ये क्लीन कर लिया था पूरा। ये देखिए अभी पंच कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ 5 सेकंड मैंने इसको होल्ड किया हुआ था, 5 सेकंड भी नहीं बोल सकते, 4.5 सेकंड के लिए। ये भी पंच कर रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए अभी इसकी पंचिंग जो होने वाली है, ये देखिए, ये देखिए 4.5 सेकंड में मैंने पंचिंग कर लिया था इसको। अब इसमें बबल्स वगैरह देख लीजिए, थोड़े से ही बबल्स हैं नीचे के साइड में। अब ये डिस्प्ले टेस्ट करेंगे एक बार, ऑन है नहीं है आपको लाइव दिखाएंगे। ये जैसे V11 Pro है उस हिसाब से ही हम लोगों ने चेक किया, बट बाद में जब ये ओपन हुआ हैंडसेट तब पता चला कि इसमें फिंगरप्रिंट अलग है पूरा, क्योंकि बॉडी में से बैक साइड पे कहीं फिंगरप्रिंट दिख ही नहीं रहा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।